हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्थ बेबी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ठेकुआ की। हे गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले ठेकुआ बनाने के लिए गुड़ को अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ को अच्छे से कूट लेंगे सारे गुड़ को। एक किलो आटा में 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ होना चाहिए। गर्म पानी है जिसको थोड़ा देर हमने गर्म पानी करके रख दिया है, तो गर्म पानी में ही गुड़ को ऐसे ही मिक्स देंगे। इससे अच्छे से मिक्स होगा। आप चाहे तो आपके पास अगर मिक्सर हो तो आप उससे मिक्स कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें एक भी गुड़ का जो ढीला है वो नहीं रहना चाहिए। इसको हाथ के मदद से ही कर लेंगे हम। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है अभी भी, तो इसको अच्छे से मिक्स लेंगे हाथ से। और ऐसे ही करके यहाँ पे हम आटा निकाल लेंगे। और देख सकते हैं आटा 1 किलो के समथिंग है और गुड़ 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा था, 3 पाव। और आटे में मिक्स करेंगे खाने वाला सोडा। इससे क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा आटा और जो ठेकुआ बन के रेडी होगा वो खाने में बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा जो हमने गुड़ को घोल करके तैयार किया था, ये देख सकते हैं जो गुड़ का घोल है, इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंथ लेंगे। जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं सेम उसी प्रकार इसको बनाना बहुत ईजी है इस ठेकुआ को। और आप बना के इसको सफ़र में जाते हैं तो आप सफ़र में लेके जाइए, ईजली 10 दिन तक आप इसको रख सकते हैं, खा सकते हैं। ख़राब बिल्कुल नहीं होता है ये और बहुत ही हेल्दी होता है, बिकॉज गुड़ आपको पता है हेल्थ के लिए कितना हेल्दी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आटा गूंथ के बिल्कुल रेडी है। और ये ठेकुआ का जो हम बनाएंगे उसका शेप इसी प्रकार के ठेकुआ सारे बनाएंगे। चाहे तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल चरकोर जैसा आपका मन करे वैसा। एक्चुअली हम लोग इसको खाते थे जब बोलते थे कि ये पूंछ वाला ठेकुआ, तो इस वजह से मम्मी ने सेम वैसा ही बनाया है जैसा मैं बचपन में खाती थी। आप चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं, थोड़ा सा हाथ में घी लेके और हाथ के मदद से ही इसी तरीके से देख सकते हैं आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, या बेलन से बेल के भी बना सकते हैं गोल। ये एक बार आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही हेल्दी और यम्मी होता है खाने में। तो बस यहाँ पे सारे ऐसे ही करके सारे ठेकुआ को तेल में फ्राई कर लेंगे। हम लोग सरसों तेल में फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको घी में, या देख सकते हैं गाइस मेरी जो ठेकुआ है वो बिल्कुल रेडी है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये खाने में भी बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये मीठा है, बच्चे भी आराम से इसको खा सकते हैं। इसके खाने से ये अगर आपको बना के चाहे तो स्टोर करके घर में रख सकते हैं, कभी भी किसी टाइम भी खा सकते हैं। भूख लगी आप दो खाइए, बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ ये वाला रेसिपी, क्विक रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, आप देख ही चुके हैं तो एक लाइक भी कर दीजिए। बाय बाय गाइस, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।